Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आया है pathogens. जब भी pathogen वर्ड आए आप समझ जाना ये उन microorganisms including bacteria, viruses, fungi उनकी बात हो रही है जो डिजीज कॉज करते हैं. हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज नहीं करता. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं दे आर कॉल्ड पैथोजन्स. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोदिंग एंड लेदर. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स. क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, क्या हार्मफुल एक्टिविटीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं. पैथोजन्स एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वॉटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल. पैथोजन्स हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, एयर के थ्रू जो हम ब्रीथ करते हैं, वाटर के थ्रू जो हम पीते हैं, या फूड के थ्रू जो हम खाते हैं. कभी कभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजन्स किसी ऐसे इंसान जो ऑलरेडी इन्फेक्शन है जिसको, उसके थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में या किसी एनिमल के थ्रू आ जाते हैं. माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कॉम्युनिकेबल डिजीजेस. ऐसी माइक्रोबियल डिजीजेस जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू फैलती है किसी हेल्दी पर्सन को, किसके द्वारा, एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टेक्ट के द्वारा, इन डिजीजेस को हम कहते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीजेस, कॉम्युनिटी डिजीजेस, कॉम्युनिकेबल डिजीजेस, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली डिजीजेस. एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस आर कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस और अभी जो आपके चल रहा है कोविड, ओके, कोरोना जिसको आप बोलते हैं. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. क्या होता है जब एक इंसान जिसको कॉमन कोल्ड हो रहा है वो स्नीज करता है, छींकता है, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर की उसके पास से कैरी होकर थाउजेंड्स वायरस स्प्रेड कर देती है एयर में. और ये जो वायरस होते हैं ये किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाते हैं जब वो सांस लेता है या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है. देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कॉम्युनिकेबल डिजीजेस, आप कैसे रोक सकते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीजेस के स्प्रेड को या फैलने को. वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग. It is better to keep a distance from infected person. क्या होता है? या तो हमें सबसे अच्छी बात है हैंकी यूज करना चाहिए, एक रुमाल यूज करना चाहिए जब भी आप स्नीज करें, छींके, खांसे, तो नोज और माउथ पे आपको रुमाल रख लेना. सबसे अच्छी बात है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमें एक दूरी बना के रखें, डिस्टेंस बना के रखें. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कैरियर होते हैं. कैरियर मतलब कैरी करने वाला, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, वायरसेस या अलग अलग अदर माइक्रोब्स को वो कैरी करते हैं. हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर. जो मक्खी होती है घरों में ये भी कैसा ही कैरियर है. द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा. फ्लाई क्या करती है, मक्खी कचरे में बैठती है या गाय के, भैंस के, कुत्ते के, सबके एनिमल एक्सक्रीटा मतलब उनके गोबर पर बैठ जाती है. पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज. इस तरह से पैथोजन्स जो होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं. व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन. जब ये खुले हुए भोजन के ऊपर बैठते हैं तो कभी कभी ये पैथोजन्स को ट्रांसफर कर देते हैं, अपने पास से उस खाने पर डाल देते हैं. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. जो भी इसे खाता है
वो बीमार हो जाता है. सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. इसीलिए क्या बोला जाता है, सलाह दी जाती है कि खाने को हमेशा कवर करके रखना चाहिए. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और अनकवर्ड खुले हुए खाने को अवॉइड करना चाहिए खाने में. अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम. एक और एग्जाम्पल है जो मॉस्किटो होता है उसमें भी कौन सा, एनोफिलीज मॉस्किटो, वो भी फीमेल, मेल और फीमेल दोनों होता है मॉस्किटो में. तो फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो होता है, होती है कहना चाहिए, वो एक पैरासाइट कैरी करती है मलेरिया का, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम. जो फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, इसे डेंगू जो फीवर होता है वो भी मॉस्किटो से आता है, वो होता है एडीज मॉस्किटो, फीमेल होती है वो भी. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. अगर हमको मलेरिया या डेंगू को कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते हैं. Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? हाँ, टीचर हमेशा बताते हैं आपको, क्यों बताते हैं कि वाटर हमारे आसपास कहीं कलेक्ट नहीं होना चाहिए ओपन में. Yes, this is why. All mosquitoes breed in water. क्योंकि सभी मॉस्किटो कहाँ ब्रीड करते हैं, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, वाटर में. Hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pots, etc. तो आपके coolers में, tires में, flower pots में, यहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. और अगर हम हमारे आसपास की surroundings clean रखेंगे और dry रखेंगे, मतलब water इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो mosquito breed नहीं होंगे. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. वो लिस्ट पूरी बनाओ जिसके थ्रू हम मलेरिया से अपना बचाव कर सकते हैं. ओके.